नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनए टीवी का स्पेशल बुलेटिन न्यूज फटाफट, और मैं हूं आपके साथ तेजपाल नेगी। बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड के हल्द्वानी से, जहां के रानीबाग स्थित चित्रशिला घाट पर दिवंगत एसपी यातायात राजीव मोहन का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। उनके सैकड़ों वर्दीधारी साथी और गणमान्य लोग इस कोरोना योद्धा को नम आंखों से अंतिम विदाई दे रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस के एसपी ट्रैफिक के पद पर नैनीताल जिले में तैनात राजीव मोहन के निधन के बाद जहां पुलिस महकमे में शोक की लहर है, वहीं आज उनके अंतिम संस्कार के समय उन्हें विदाई देते हुए पुलिस अधिकारियों की आंखें भी नम हो गईं। हल्द्वानी के लामा चौड़ स्थित उनके आवास पर देर रात उनका पार्थिव शरीर दिल्ली के मैक्स अस्पताल से लाया गया। मेरे दोस्तों को सलाम दे। जहां से आज सुबह रानीबाग स्थित चित्रशिला घाट के लिए पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंतिम विदाई की गई। कोरोना काल में एक योद्धा की तरह उनका हर तरह से लोगों को मदद करना और गरीब मजदूरों के लिए मसीहा बनकर काम करना आज हर किसी को याद आ रहा था। वही थोड़ी दूर है घर मेरा। पुलिस अधिकारी के रूप में एक अच्छे इंसान के निधन की खबर मिलते ही न सिर्फ हल्द्वानी शहर के गणमान्य लोग उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए, बल्कि भारी संख्या में नैनीताल और उधम सिंह नगर के पुलिस अधिकारियों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। गुजरने वाली हवा। नैनीताल की एसएसपी प्रीति प्रियदर्शनी सहित जिला प्रशासन के अधिकारी एसपी राजीव मोहन के अंतिम यात्रा में शामिल हुए। संदेश आते हमें तड़पाते। हम आपको बता दें कि 27 दिसंबर 2020 को उनमें कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद उन्हें सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उनकी स्थिति में सुधार न आने के कारण 4 जनवरी को उनको दिल्ली स्थित मैक्स रेफर कर दिया गया, जहां निमोनिया और डायबिटीज होने के कारण उन्हें सांस लेने में और दिक्कतें बढ़ने लगीं। मंगलवार की दोपहर उनके निधन की दुखद खबर आई कि तुम बिन ये घर सू